सो वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल डॉट मम्पी। तो आज बहुत ज्यादा झगड़ा होने वाला है मेरे और सास के बीच में, और बिहारी और बंगाली को लेके होने वाला है। तो थोड़ा सा पंखा बंद करना, आवाज आ रहा है, आवाज हल्का सा कम कीजिए। तो क्या बोलना चाह रहे थे आप, बोलिए, कैमरे में बोलिए। कैमरे में बोलिए, बिहारी लोग के दर बुद्धि नहीं, बिहारी लोग प्रचुर बदमाश, আর শুধু ওই ডাল ভাত ফুলকপি খায়, আর আমার মাথা চেটে চেটে তো খেয়ে না। আর বহুত বদমাশ বিহারিরা, সত্যি বলছি, বাংলা খুব ভালো, খুব ভালো। কত সালে বুদ্ধি হতে বিহারি লোক? বিহারি 18 সাল না হলে বুদ্ধি, হাসি সরি, 80 সাল না হলে বুদ্ধি হয় না। এখনো বুদ্ধি নেই, আছে, খুব বুদ্ধি গুলো আছে, যে বুদ্ধি গুলো কাজে লাগে না এদের সেই। কথা বলে তো আবার বাঙালি ও হিন্দি বলে কেন বলি বাপি? হ্যাঁ, तो और बंगाली लोगों का गाइस क्या होता है ना, 5 ही साल में बुद्धि आ जाता है, जैसे मतलब होता है पैदा लेने के बाद 5 साल में बुद्धि आ जाता है। क्या 5 साल में आ गया था आपका? 10 साल में आता है। सो गाइस, और आप बोल लीजिए, और बोल लीजिए, आप सोच के बोल लीजिए। अरे बोला अनेक चीज आस्ते आस्ते करे बोलछी, एटा करोला, এটা ঝিঙে, তো ঝিঙে পোস্ত, করলা ভাজা, আর আমার জামাই করলা ভাজা, আর তোমার ওই ম্যাগি ডিম দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে ভেজে করলা দিয়ে খায়। এ বিহারিরা তাহলে না বদমাশি না, এমনি বুদ্ধি জন্য তো ডেলি ডেলি মাছলি খাওয়ানে সে বলা আচ্ছা হয়ে যাতা, হ্যাঁ, রক্ত হয়, বুদ্ধি হয়, অনেক কিছু হয়। তো মামপি কে তো বুদ্ধি নেই একদিন আছে, তখন ওইখানে গিয়ে তো ওই মানে পটল আর ওই ফুলকপি খেতে খেতে বুদ্ধি গুলো কমে গেছে, চুপ করে চলে গেছে। আরে বাবা, এই দেখো রে ইয়ার, যাকে বুদ্ধি কম হয়ে গিয়া, আর পহলে তো বুদ্ধি নেই ছিল। আরে এই তাপস পালাটা বই বলছিল না যে ওই তেলাপিয়া খেলে বুদ্ধি হবে, আর চিনি মাজকে দিয়ে দিয়েছিল, আর একে তেলাপিয়া দিয়ে দিয়েছিল, তাহলে বললো কার তাহলে মাছ খেলেই বুদ্ধি হয়, তাই মাছ খায় বলে বুদ্ধি নেই। इनका कहना है कि बिहारी जो लोग हिंदी है, मैं उनको बताता हूँ, इनका कहना है कि बिहारी लोगों को 80 साल में बुद्धि आता है। वैसे तो लोग सब 60 साल बोलते हैं, लेकिन इनका 80 साल 20 साल और आगे बढ़ा दिया है, और बंगाली लोगों को 10 साल में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग 4 साल से 10 साल मछली खाना स्टार्ट कर देता है, तो ऐसा इनका सीन है। लेकिन सासू माँ, आप गलत फहमी में हैं, जितना बिहारी का बुद्धि होता है ना, उतना बंगाली का नहीं होता है। बंगाली सब ऐसे ही खाली रह के हो जाता है, हर बिहारी का बुद्धि उन्हें देखे गवर्नमेंट जॉब वही लेता है। सब बिहारी छेले गुलो, ए जे ए भाई सब एक कोलकाता में के ही भालोबासे लाइन मारे, हां निया चले जाए। तो बुद्धि है तभी ना, हम तो नहीं मारे किसी को लाइन, भैया ना मारा सब करे, किसुआ करे, किसुआ करे, तुम्हारो आती में करे, हां अभी बोले दबो। अच्छा भाभी आप बताओ, हम कभी ऐसा कुछ लाइन वाइन मारते हैं किसी को? ना मेरा से एक खाली नाम हो जाएगा, नाम पे भूले जाइए मैं शेखर, नहीं नाम का नहीं शेखर, कि तुझे भालोबासे ओ मियां होचे तुम्हार तुम्हारे बारी कितने तो गाइस देख ही सकते हो आप लाइक कि इतना बंगाली लोग इतना मन में रखे हैं बिहारी के लिए, देख ही लिया, इतना लाइक मन में इतना भड़ास इनके है बिहारियों के प्रति, कि बिहारी को इतना सुनाया कि पटल झींगा खाता है, मछली नहीं खाता है, मेरे बेटी को मतलब बुद्धिहीन बना दिया, ले जाके बिहार ले जाके, ऐसे भी हम बुद्धि ही थे। हाँ वही तो बोले थे मम्मी को, कौन सा उसको बुद्धि था, नहीं था मम्मी का इंसान नहीं है, पटल और फुलकपी देखा ही बुद्धि बड़े चले गए। मम्मी बोल रही है मेरा बुद्धि था, लेकिन शादी के बाद पटल और फुलकपी खा के बुद्धि मेरा भाग गया। अब ऐसे भी गाइस आप लोग जानते हो, थोड़ा लोग बंगाली लोगों का मेंटेलिटी होता है ना कि यहाँ बिहारी लोगों से थोड़ा सा लाइक चिढ़ जाना ऐसा होता है, तो हमेशा चिढ़ते रहता है यहाँ का लोग, बिहारी लोग बंगाली थंबनेल यही रहे थंबनेल में देखने को मिलेगा। मतलब
बिहार के लोग इतना साउंड होते हैं, यहाँ के लोग कितना करते रहते हैं। ये देखो वो चाचा कर रहे हैं। बेटी बेटी बंगाली लोग कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते बता दो। तो देख ही सकते हैं आप लोग इनके जैसा, मतलब लाइक मेरी सास के जैसा कितने लोग हैं जो कि मन में ऐसा सोच के रखे हैं कि बिहारी ऐसा, बंगाली लोग ऐसे सोचते हैं, पूछो बोला लो कमेंट से भी बताओ। लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और बिहारी काम आता है हर जगह, हर एवरीवेयर। बिहारी सब पर भारी। अभी हम भी बिहारी हो गए। हम दो साइड से बोलेंगे। हमको पूछेंगे तुम किसके साइड हो, ऐसे करके बताएंगे। नहीं फैजल आएगा तो वो तो बिहार का ही होगा ना प्रॉपर। क्या वो आपको दीदू ही नहीं बोलेगा, नानी ही बोलेगा। नानी नहीं बोलेगा, नहीं हम नानी नहीं बुलवाएंगे, वो हम दीदू नहीं बुलवाएंगे। दीदू नहीं मतलब नानी, दादी को क्या बोलते हैं, दीदा। तो गाइस देख ही सकते हो, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, अभी नहीं है वो, कि इन लोग सच में थोड़ा सा मेंटेलिटी आ गई है, आ गई। तो थोड़ा सा होल्ड करते हैं, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। और कुछ बोलना चाहेंगे, और कुछ मन में भरा सा तो बता दीजिए। राना वाना है नहीं बोलबो की अभी। राना वाना नहीं हुई ना। क्या ना हुई? नहीं नहीं के तोरे माथा खाचे तो के बोला ना, बिहारी लोग का माथा खा। चौदह बजे अच्छी बाजार है, পোস্ত আনি তো লঙ্কা নেই না, লঙ্কা নেই, এদের এদের দেখে দেখে গুলিয়ে যাচ্ছে। শশা খাই না, শশা খাই না। এই আমার মোবাইলে খুঁজে পাই না, শুধু বলছি। ও এই আমারা ফ্যামিলি, বাস ফ্যামিলি, হ্যাপি ফ্যামিলি। এন্ড आज मैंने एक ब्लॉग छोड़ा है mummy.rahul में, छोला भटूरा बनाए थे कल, बहुत ही मस्त बनाए थे, मजा आ गया खा के। सो भी मम्मी आती है तो फिर मैं बात करता हूँ आप लोगों से। तुम्हारी मम्मी तो बहुत बिहारी का इंसल्ट कर रही थी। हाँ मेरा भी तो इंसल्ट हुआ, वो हम भी तो बिहारी है। उसका देखो ना, उसका तो पूरा गर्लफ्रेंड का पोल खुल गया। बेचारी मेरा मम्मी किसको किसको, एक लड़का गलती किसको, मतलब यानी कि सभी बंगाल का लड़की से कर। हम तो भाई बहुत सीधा है, जो बात एकदम सीधा है, जलेबी की तरह। जलेबी भी सीधा होता है, बस खाली राउंड होता है। टेढ़ा जलेबी देखे हैं, ऐसे 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 जलेबी देखे हैं ना? हाँ तो वो तो सीधा होता है, मतलब ये इनडायरेक्टली तुमने टेढ़ा ही बोला। मम्मी मेरी सारा फोल खुल रही है, ये प्यार करता है वो, पर सब ये बंगाल का लड़की लेके भागी है। ठीक है भागी है, सॉरी भागे भागे नहीं है, तुम हमको लेके भाग रही हो। वो हम आपको लेके भागे, आप हमको लेके, मतलब आप बंगाल की लड़की को ही उठाए ना, यही बात हो रहा है। तो, कि ये तो बुद्धि बिहारी लोग का बुद्धि तो तब ने उठाया, शीतला पीला में उठाया। ये जो कल आने वाला है गाइस मेरा, वो आईडी को प्लीज जाके सब्सक्राइब करो, व्यूज कम रहा है पता नहीं क्यों। तो हम शीतला पूजा का भी व्लॉग डालेंगे, कल ही है वो पूजा जिसमें राहुल मामपी एक दूसरे के हो गए थे। अगर हम अभी सही रहता था तो लव स्टोरी वा एक एल्बम सॉन्ग बनाना वो। yes. लेकिन नहीं ना, बहुत बुरा लगा, बिहारी लोग 80 साल में नहीं आता बुद्धि, 8 क्लास पास करता है ना तभी आ जाता है। आपने सोच रहे बोले 8 क्लास पास करता क्या भाई? अरे आप ही बताओ, एक बात बताओ, IAS ऑफिसर जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा बिहारी लोग ही बनते हैं, बंगाली लोग खाली प्राइवेट जॉब पकड़ते हैं, बहुत कम होता है, मतलब IAS ऑफिसर बहुत कम बनते हैं। सरकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी तो फिर नॉर्मल हो गया, IAS IPS जो होता है ना वो ऑलमोस्ट वही सब निकालते हैं, बिहार से ही लंदन निकालते हैं। जो भी है हमारा फैजल तो बिहार ही होगा, अब हम भी हो गए, ऐसे तुम तो बड़ा साइड ले रही थी मम्मी का। हम दोनों कम बोले ना, हम ऐसे ही उड़ेंगे किसके तरह, इसके भी मम्मी के भी। देखो पैदा तो हम बंगाली घर पे ही हुए, पैदा उसके बाद गए हैं हम बिहारी घर पे, तभी हम बिहारी हो गए। लड़की लोग का दो जात होता है, तो मेरा एक जात से बंगाली लोग में कम होता है। गाइस ये आप लोग के लिए नहीं, मेरे सास के लिए, बहुत सारे मेरे जो फैंस है वो बंगाली है, तो आप लोग प्लीज दिल पे मत लेना। आपको पता नहीं ऑलमोस्ट बंगाली का सोच यही होता है, बिहारी का 80 साल नहीं होने से घुटना के नीचे बुद्धि रहता, सब बोलता है। तो मेरा घुटना के नीचे, इसलिए तो आज हम इतना ऊपर है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे।
तो गाइस अभी हम नहाए, कितना फ्रेश आ रहा है, तब से पसीने में चिपचिप ला रहे थे। तो गाइस ये साइड में आज मैंने कल नहीं छोड़ा था वीडियो, क्योंकि कुछ था नहीं ब्लॉग। खुद इसको गुदगुदी आई, हमको गुदगुदी दे रहा है, हमको गुदगुदी उतना नहीं है। तो थोड़ा बहुत हम लोग हंसी मजाक कर लेंगे, नहीं हम तक हम सख्त लौंडा है, सख्त लौंडा है। तो आपको गुदगुदी नहीं है? गुदगुदी से सख्त लौंडा का क्या कनेक्शन है आप बताओ जल्दी। आओ देखा, सख्त लौंडी निकल गई इसके अंदर से। तो वो नहीं, ये नाटक क्या हो, ऐसे नहीं रहता ये। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। तुम्हारा यहाँ बाल बहुत सिल्की हो गया मेरा यार, पता नहीं क्यों। तो ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड आप लोग सपोर्ट करें, प्यार करें, एंड दुआ करें हमारी बेबी अच्छे से हो जाए। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर। चाचा भी जल्दी बनना है, जल्दी चाचा बन जाए। बन जाएंगे, बन जाएंगे। अरे हम, मेरा बेबी कब होगा सब हमको पूछते हैं, मामले में मेरा बेबी कब होगा, होगा 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 होगा, फैजल आएगा, सब पूजा पूजा करता था, पूजा आएगा। और जब आएगा तो क्या कहेगा, तुमको क्या लगा था रे, हम नहीं लौटेंगे, ले हम फिर आ गए, सब राजी खुशी। फिर तुमको बोलेगा फगुनिया, हम तो से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, कि कैसे बताएं कितना प्यार करते हैं। सीना चीर के दिखा बजरंग बली जैसा, पूरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मजा आ गया, लास्ट वाला पार्ट बहुत मजा आता है। फगुनिया, ओके ओके। सो फगुनिया की तरफ से भी बाय, एंड फैजल की तरफ से भी बाय, हमारे तरफ से भी बाय, तरफ से भी बाय, भैया की तरफ से। मेरा नाम भैया रख दिया है।